हेलो एवरीवन, लॉर्ड ईयर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फोर्टनाइट लेगो की जर्नी। ओ भाई, मुर्गी अंडा देगी क्या? मुर्गी नहीं। अरे अंडा दे दे यार। हाँ ये हुई ना बात। भाई तूने पैट करवा लिया और अंडा भी नहीं दिया। ये ना, रुक जा। ये भाई रुक। पैट किया तो एक अंडा तो बनता है यार। अंडा भी नहीं दे रही तू, अब ये गलत बात है। तू दे रही अंडा फ्रेंड? नाइस, ये दोनों अच्छे हैं भाई। इन्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। हाँ तो वही मैं अपना बोल रहा था कि देखते एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ पे तो हम स्पॉन हुए उस तरफ, और वहाँ पे वो बड़ा सा भाई जानवर है, पता नहीं राक्षस क्या है भाई, वो मोटा सा गेंडा भाई, समझ रहे हो भाई। चलते चलते फ्री के पंपकिन ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। और राजबेरी भी ले ही लेते हैं, किसे नहीं पसंद है भाई बेरी। अंडे भी उठा ही लेते हैं, क्या पता कुछ रेसिपी काम आए आगे। भाई भाई यार, अंडा दे दो फ्रेंड, अंडा दे दो प्लीज, थैंक यू। देखो जो जिसे हम पैट करेंगे एनिमल को, और वो हमें बदले में कुछ देता है, तो ऐसे एनिमल्स को तो मैं हार्म नहीं करता हूँ बिल्कुल। मैं मारता नहीं हूँ उन्हें भाई, बिल्कुल नहीं। हाँ पर जिस एनिमल को हम पैट कर रहे हैं फिर वो हमें कुछ दे भी नहीं रहा है भाई, फिर तो भाई मैं नहीं देता भाई। फिर चलते चलते लकड़ियाँ ही ले लेते हैं थोड़ी। अरे भाई स्पाइडर अपना काम कर भाई, काम मुझे मार रहा है भाई तो आके। ओ भाई बच गया भाई, फिर से पेड़ के, लगता है पेड़ के नीचे दबने की किस्मत है भाई हमारी। क्या मोटा पेड़ है भाई, भाई अभी रात होने से पहले मुझे एक शैक बनाना है अच्छी लोकेशन पे। ओ हेलो, लुकाओ दूध दे दो यार। रुको जरा, सबर करो। ओ नाइस, थैंक यू। आप भी दूध दे दो प्लीज। नाइस, पानी वानी की तो टेंशन ही नहीं है, प्यास तो। भाई भाई ये कौन सा कुत्ता है भाई, भेड़िया या कुत्ता? लगा मेरा मजाक। ओ भाई कुत्ते पे बैठी दादी। ओ भाई शिट, नहीं मुझसे दूर रह भाई प्लीज। कुल्हाड़ी से वैसे मर सकता है क्या ये कुत्ता? गाय को नहीं मारना। ओ भाई अब तूने कर दिया पंगा। गाय से पंगा मत ले भाई तू, ये ले गया, हो गया। अबे साले तभी मैंने माफ करना वो गाय को मारने आया था। चल उधर, आज तो मुझे लग रहा है बस हम रिसोर्स फार्मिंग में ही लग जाएंगे भाई, दिन भर ऐसा लग रहा है मुझे। पेड़ काट रहे, ओ भाई पेड़, ओ भाई भैया पेड़ और पत्थर, पेड़ तो काफ़ी काट लिए, पत्थर ले लेते हैं अब थोड़े। चलो वैसे भी लोकेशन निकल जाए, इस तरफ ही जाते हैं पहाड़ की तरफ, अच्छा दिख रहा है ओपन एरिया। ओ पानी की तरफ भी अच्छा व्यू आ रहा है काफ़ी। एक और कुत्ता भेड़िया जो भी है पता नहीं क्या है। इसमें हम बाद में बोट बना सकते हैं क्या? नहीं कोई आइडिया नहीं मुझे अब तक तो। अगर बोट बना सके तो ये व्यू भी अच्छा है काफ़ी, मतलब चिलैक्स व्यू है पूरा चिलैक्स। यहाँ से बैठ के आप पानी देख सकते हो, नदी देख सकते हो, पूरे वाइब है। पेट करना तो पड़ता ही यार, अब आते जाते तो पेट करना पड़ता है। ऐसे तो भूल जमा होगा भाई अपने पास, पेट कर कर के। थैंक यू। कुछ है क्या यहाँ? किसी का घर है ये पुराना? देखे जरा,
को छोड़ के गए हो हमारे लिए तो नहीं, ये पहाड़ के ऊपर जाके देखता हूँ, यहाँ बेस बना सकता हूँ मैं अपना टेम्प्रेरी स्टार्टर बेस, क्योंकि पहाड़ पे से तो पूरा लुकआउट होता है ना कि हम कहाँ है, कौन सा जानवर हमारे आसपास, जैसे ये स्पाइडर कुछ काम दाम है नहीं इसे, बस गया। थोड़ा और ऊपर चला जाता हूँ, क्या ये एक लुकआउट तो हो जाएगा कि कहाँ है हम, क्या सिचुएशन है हमारी, वहाँ कौन सा बायोम है, जैसे ये ग्रासलैंड है हमारा, ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ मैं जहाँ पे काफ़ी पेड़ भी हो और स्टोन भी हो, क्योंकि स्टोन फिर मिलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, यहाँ पे ज़्यादा स्टोन तो है नहीं, यही ले लेते हैं अभी। हाँ ये ओ वहाँ पे क्या है, वो लुकआउट टावर है, ओके। और ये डेजर्ट में आ रहे हैं हम ऐसा लग रहा है अब, ओके। तो यहाँ ही शुरू कर लेता हूँ, ये पत्थर के ऊपर, ये सही है स्पॉट अपना, एक सिंपल शेड भाई, अरे फर्टिलाइजर ये क्या है भाई, सिंपल शैक बनाएंगे। मुझे इस तरफ फेसिंग होना चाहिए ना शैक, तो फिर प्रॉपर है। ओके तो ये ट्यूटोरियल टाइप है, पजल टाइप, ओके ओके। अब क्या चाहिए हमें, टूल चाहिए, लोरियाँ लगा दी, फ्लोर एक लगा दिया, अब हमें लगाना है ये यहाँ पे, एक छत का पीस यहाँ पे, और फाइनल स्टेज बचा है वो यहाँ पे, ओके ये हमारा शैक बन चुका है। तो अब हमारे पास और क्या है, फ्लोर आ गया है, फर्नीचर आ गया है, बेड। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, ओ भाई, ओ भाई भाई बिना बताए अटैक नहीं करते ब्रो, ये गलत है, सामने से आके अटैक करना है भाई, पीछे से वार नहीं करना भाई, पीछे से जो वार करता है भाई, रुक जा अब बता दो तुझे, इसको तो मैं उड़ के मारूंगा हवा में, या बूम नहीं लगा भाई, बच गया। अब क्या भाग रहा है, ये ले, ये ले। अच्छा भला मैं अपना सोच विचार में लगाऊ, क्या बनाओ कहाँ लगाओ, भाई आके मारना शुरू कर देता है सीधा, एक शैक में तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, दो शैक तो मुझे चाहिए, क्योंकि हमें क्राफ्टिंग बेंच भी लगाना पड़ेगा और हमें कुकिंग के लिए भी लगाना पड़ेगा वो, और काफ़ी मशीन्स है हमें लगानी है, जो इसमें ज़्यादा करने नहीं वाले ये वाले पार्ट में हमारे, हम यहाँ पे बस अभी, ओ भाई ये कैसा लग गया शायद, ये मज़ा नहीं आया देख के मुझे, ये तोड़ना पड़ेगा, गलत जगह पे लग गया है शायद, भाई छत गिर गई भाई मेरे ऊपर, पूरी तबाही मचा दी भाई एकदम से,
माइंड में रखना चाहिए। अब आगे लग गया। गजब बेइज्जती है। अलाइन करने का कंसेप्ट नहीं है क्या इसमें कुछ? अब ठीक है। नहीं। इजी पीजी पजल है। यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, अब ऊपर एक लगा दिया, अब ये लगा दिया, अब थर्ड पार्ट जो बचा है वो लगा दिया। ओ ये हो गया बात। अब हम बनाएंगे यहाँ पे अपनी चीज़ें। एक आध वॉल बना लेता हूँ। अभी भेड़िया आ जाता है पीछे से मारने लग जाता है आते ही भाई। नहीं तो क्या शायद डोर आ जाएगा यहाँ पे? नहीं आ जाएगा, पर फिर पूरा बंद नहीं हो रहा है। शायद वॉल है, ये वॉल तो लग गई है सही। इतनी दूर। अच्छा इस तरफ तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना यहाँ से भी। अब वही मैं सोच रहा हूँ कि एंट्री कहाँ से रखूँ। जैसे यहाँ से आए तो ये तो पीछे से आएंगे हम ऐसे घूम के पूरा। पहले तो कैंप फायर लगा लेते हैं। ज़ॉम्बी आ चुके हैं। अरे भाई पत्थर पत्थर मार रहा है भाई दूर से। वर्क बेंच बना लेते, क्राफ्टिंग बेंच बना लेते बराबर। यहाँ से पेज बना लेते हैं, फिर क्या बना लेते हैं, एक्स बना लेते हैं ताकि फिर इनसे जाके फाइट तो ले सके कम से कम। और रात का समय है तो टॉर्च उठा लेते हैं, इससे तो फाइट लेनी पड़ेगी क्योंकि ये पत्थर मार रहा है दूध। ये लो, ये लो, आ जा साले, आ जा, ये लो। रुक रुक कहाँ बा, अब कहाँ बा, तू आ ले, ये ले। डॉज करके बूम उड़ के पूरा खत्म। नॉइस कहाँ भाग रहा है भाई? वहाँ कहाँ लेके जा रहा है? बेट कर रहा है क्या भाई? जंगल में कहाँ लेके जा रहा है भाई? रुक बेट कर रहा है भाई ये स्पाइडर वाइडर तो मैं ऐसे ही मार देता हूँ मजे मजे में। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ जैसे कि अभी हम लगा लेते हैं, ग्रिल लगा लेते हैं भाई, खाना वाना भी तो खाना है। इस तरफ लगानी है। हाँ स्पेस को पूरा यूटिलाइज करेंगे। क्या पकाए? चिकन कितने हैं? चिकन 3 है। चलो चिकन पका लेते हैं। सारे दे दो भाई, 3 चिकन बना लो। ओके रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं रुक 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 रख देता हूँ ठीक। अभी थोड़ी लाइट रहेगी यहाँ तक। नहीं ज़ॉम्बी वॉम्बी से तो थोड़ा उजाले में बचे रहेंगे। थोड़ा यहाँ रख देता हूँ इस वाले आइलैंड पे, छोटे से पत्थर पे यहाँ रख देता हूँ। हाँ ठीक है, ताकि दूर से तो दिखे कि भाई ये हमारा स्पॉट है। अरे कहाँ जा रही है भाई ये टॉर्च? तू रहने दे भाई, देर से ना हो पाएगा। ओ भाई झटका लग गया भाई, चिकन बना गया नहीं। यस अभी कॉर्न बना दो, मस्त सारे कॉर्न ऐड कर देते हैं। चिकन
चिकन खा लेते हैं पहले थोड़ी एचपी का, मैं तो बैरी खा लेता हूँ थोड़ी। अब हम क्या बना सकते हैं, अब हम बना सकते हैं लंबर मिल। ओके, इसके लिए पत्थर चाहिए तो पत्थर तोड़ लेते हैं जाके। ओ और मैंने एग्स भी तोड़ ली ना, एग्स बना लेता हूँ। अभी हम चलते हैं रिसोर्स गैदरिंग पे, टोटली रिसोर्स गैदरिंग से पत्थर है। पत्थर वही मैंने जैसे नोटिस किया, पत्थर काफ़ी कम होते हैं ऐसे। जैसे पेड़ तो कितने सारे हैं, देखो पेड़ भरपूर हैं, पत्थर थोड़े ही है वैसे। पर वही पत्थर की भी नेसेसिटी तो उतनी है जितनी पेड़ की है। हाँ, क्राफ्टिंग में और मशीन्स बनाने में तो पत्थर लग ही रहे हैं हमें। चलो क्या, मेहनत करेंगे और क्या। ऐसा लग रहा है वहाँ कोई कैंप फायर चल रही है, जैसे धुआं आ रहा है, कोई किसी का कुछ कोई बैठा है वहाँ, बेस है या क्या सीन है, मतलब विलेजर्स है कौन है वहाँ। देखे तो एक झलक देख के आते क्या है वहाँ पे। कितने पत्थर हो गए। हेलो एवरीवन, लॉर्ड हियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फोर्टनाइट लेगो की न्यू सर्वाइवल जर्नी। तो आई होप आप सबको भी मज़ा आए इस एडवेंचर में। वो क्या है, विलेजर्स लग रहे हैं। लूट होगी क्या इनके पास। भाई तलवार बदवा रहे उनके हाथ में, तो हेलमेट टोपा टापा पहना हुआ है भाई। कहीं आ ना जाए भाई, इनके पत्थर तोड़ लिए मैंने तो। एक पत्थर तो क्या ही आए। ओ भाई, चलो पिकैक्स ही टूट गई अपनी तो। पिकैक्स लगेगी एक और भाई। ये फर्टिलाइजर तो ऊप जैसा पड़ा है भाई जमीन पे। कैसा लगा मेरा मजाक। एक पिकैक्स दे दो सर, और एक पिकैक्स दे दो। हमारे पास और क्या है यहाँ पे। चेस्ट अनलॉक हुई है जैसे, सामान रखना हो तो कुछ नहीं। ओह हाँ, अनलॉक तो हो गई है चेस्ट। आई थिंक एक और शैक बना लेता हूँ।
यहाँ पे मैं अपना स्टोरेज बना लेता हूँ स्मॉल चेस्ट। अच्छा प्लैंक्स चाहिए स्मॉल चेस्ट के लिए, चलो प्लैंक्स नहीं तो बेड बन जाएगा, अगर तो हल्का सा बेड हो जाता। कमर सीधी हो गई यार तब से, पेड़ वेड़ काट के थक गया हो भाई, कमर सीधी कर लेता हूँ थोड़ी। हाय हाय इतना सुकून। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशंस है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं अपनी वीडियोस इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज प्ले टू एंजॉय।